ओम नमः शिवाय। जो भी पति या पत्नी अपने पति को या अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं, वो उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं, जब से उनका विवाह हुआ है उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, और वे जब भी घर पर आते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं। तो जो भी साधक या साध्वी अपने पति को या अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं, तो वे इस कारगर विधि से अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, अपने पति को या अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हैं। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। इस विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए 15 काली मिर्च। ये काली मिर्च आपने जो आपके नज़दीकी दुकान हो वहाँ से आप खरीद कर लेकर आएँ। यदि आपके घर में हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार के झूठे हाथ नहीं लगे होने चाहिए, और इस विधि को आपने स्नान आदि करने के बाद ही करना है। रात्रि में 11 बजे आप इस विधि को करें। आपने 15 काली मिर्च लेनी है। 15 काली मिर्च में से अभी हमने कम काली मिर्च ली है, आपने पूरी 15 ही लेनी है। और आपने क्या करना है, 4 काली मिर्च आपने अलग कर लेनी है, और बाकी की जो 11 काली मिर्च बचती हैं उस पर आपने पहले आप 4 काली मिर्च पर आप इस तरह से अपना राइट हैंड का अंगूठा रख ले। यदि कोई महिला कर रही है तो वो अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे के नीचे आप ये 4 काली मिर्च रख ले, और बाकी की जो 11 काली मिर्च बचेंगी उन पर आपने इस मंत्र को 21 बार आपने जाप करना है, और उसके बाद आपने 3 बार आपने इस पर फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद जो भी आपके घर के नज़दीक काली माता का मंदिर हो वहाँ पर आप मंदिर में इन 11 काली मिर्च को आप चढ़ाया है, और उसके बाद आपने जो 4 काली मिर्च बचती हैं उनमें से 2 काली मिर्च को आप अपने घर में रख लें, और जो 2 काली मिर्च बचे वो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के घर में आप डाल कर आ जाएं। यदि आप पति पत्नी कर रहे हैं तो आप ये 2 काली मिर्च आप अपने तकिए के सिराने रख लें, और 2 अपनी पत्नी के तकिए के सिराने आप रख दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपका प्यार आपके वश में होगा, आपका पति आपकी पत्नी आपके वश में होगी। जिसके लिए भी आप ये विधि करते हैं, अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से ही आप इस विधि को करें। और आपने इस विधि को शनिवार की रात ही करना है। शनिवार की रात 11 बजे आप इस विधि को करें, और कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।